हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मैं आज बांदा जिला के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हूँ। मेरे पीछे का सीन जो है पोस्टमार्टम हाउस है, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। आज सवेरे बड़ोदरा से चल के बांदा के लिए जो ट्रेन आई है, सवेरे जब मजदूर ट्रेन से उतर रहे थे, पता चला 2-3 घंटे के बाद में कि ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए यहाँ लाया गया है। हम यहाँ पर इस कवरेज के लिए आए हैं। हम उनके परिवार से मिले हैं। जो महिला मरी हुई हैं, उनकी उम्र 85 साल बताई जा रही है। परिवार वालों ने बताया है कि पहले से भी काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी। रात में अचानक से उनको घबराहट हुई और हमने दवा दिया, हमने रेलवे विभाग को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। बोगी में जो पुलिस वाले मौजूद थे, उन्होंने उनकी तड़पना को देखा और उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा। और ऐसे में अचानक से रात में कब उनकी मौत हो गई पता नहीं चला। सुबह से फैमिली के लोग बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं, धूप में बैठे हैं, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। क्या हुआ उनके साथ में? उनके साथ ऐसे कि उनको उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उनको थोड़ा चक्कर होकर आया तो वहाँ के डॉक्टर वो दिए पिलाने वाला घोल के, और दवा तो उसका चल नहीं रहा था एक साल से, तो हम लोग खिला दिए, सो गए, अपना नॉर्मल हो गया। उसके पहले भी वो कहीं मतलब ज़्यादा आदमी देख लेती थी तो उससे हो जाती थी, घबरा जाती थी, ज़्यादा आदमी उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था, अकेले रहना चाहते थे, ऐसा था। तो जब आप ट्रेन में आ रहे थे, वहाँ पे डॉक्टर थे ट्रेन में? नहीं, वहाँ पर बड़ोदरा वहाँ पर चेकिंग सब हुआ, एक बंदा का चेकिंग होकर तब ट्रेन में बैठाते थे सब लोग। तो ये बताइए कि आपको कितने बजे पता चला कि आपकी दादी नहीं है? मेरे को पता चला 3:30 बजे, तो मैंने तुरंत रेलवे के पास फ़ोन किया। वो बोले कि वहाँ जाओगे सब सुविधा मिलेगा, तो मैंने यहाँ आया। तो आप कहाँ पहुँचे थे? मैंने इधर आ गया था, रात में पता भी नहीं चल रहा था कौन सा जी, यहाँ से थोड़ा दूरी था। तो यहाँ आए तो फिर यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आया तो यहाँ पर पुलिस लोग लिख दिए सब, ये लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन वो डॉक्टर लोग कुछ काम ही नहीं सुन रहे हैं। ये लोग लिख भी दिए हैं और वो सुन नहीं रहे हैं वो लोग। घर की स्थिति क्या है आपके? आपको क्यों पलायन करना पड़ा अपना गांव छोड़ करके? अरे अपना पलायन करना पड़ा बच्चों को जिलाने के चक्कर, मजदूरी करने के लिए। खेती होती है? खेती होती नहीं है। तो सब लोग आप मजदूरी ही करते? मजदूरी ही करते हैं। कितने सालों से आप बड़ोदरा में रहते थे? हम तो बहुत पहले रहते, इस समय तो इन्हीं को लेने गए थे, हमारे लड़के रहते हैं इस समय, इसे हम नहीं रह रहे हैं, पहले रह रहे थे। तो मम्मी वहाँ पे क्यों चली गई? ये चली गई, इनकी मम्मी वहाँ थी, वो बीमार थी, उनको देखने के चक्कर में चली गई। कब गई थी यहाँ से? अरे यहाँ से गए होंगे करीब 10 महीने, तब से वहीं थी, उनको लिवाने चला गया था। और आप कब गए थे उनको लिवाने? अरे हम होली के 2 महीना पहले गए थे, लॉकडाउन के 10 दिन पहले गए थे, लॉकडाउन हुआ, फंस गए उसी में। तो आपको ये तो नहीं लगता कि उनको कोरोना हुआ अचानक से? कोरोना का कोई लक्षण नहीं था उनके पास। आपको कैसे पता था? अब लोग बताते हैं कि खांसी, बुखार, सांस, ये बीमारी नहीं थी उस समय। तो रात में तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी? नहीं, घबराहट हुई, दवा खिलाए, वो रहा थी, सो गई, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। घबराहट में क्या हो रहा था, उनको क्या बोल रही थी आपसे? वो घबराहट में ऐसे ऐसे करके बस हम जानते, वही दवा दे दी, बस सो गई, बस यहाँ कोई सुन ही नहीं रहा है। हम लोग बाहर ही गोरखपुर जाने वाले हैं, किसको किसके किसके पास जाएं, जब जानकारी है किसी का नहीं है। कब से यहाँ पे बैठे हम लोग? बैठे हैं 3 घंटे यहाँ आने, 3 घंटे हो गया लगभग। ट्रेन तो 6 बजे आ गई। 6 बजे आई, वहाँ चेकअप हुआ, वहाँ से भेजे हैं, तो यहाँ आने में हमको 3 घंटा, यहाँ आकर बैठे हुए 3 घंटा। तो अभी डॉक्टर क्या बोले, कितना टाइम लगेगा? अभी कुछ कही नहीं रहे हैं। डेड बॉडी कहाँ है? गाड़ी बाहर देखी पड़ी हुई, खराब हो रही है। फिर आप कैसे ले जाएंगे? कैसे ले जाएं समझ में नहीं आ रहा, कैसे ले जाएं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।